नमस्ते किशन भाइयों, आज हमने जिस प्लांट के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, ये थाई कालापाटी चीकू का प्लांट है। हम जो चीकू का प्लांट प्रोवाइड करते हैं, इस क्वालिटी को कितना सारा फ्रूट आता है और कितना सारा फ्रूट लगता है, उसका बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और वीडियो आगे तक देखते रहे। तो ये जो प्लांट आप लोग देखा रहिए, ये थाई कालापाटी चीकू का प्लांट है, जो हाइब्रिड वाला जो है बड़ो साइज का होता है। और ये जो ग्राफ्टिंग किया था, इसका उम्र हो गया 3 महीने का और इसका हाइट है अभी 4 फीट का, और काफ़ी अच्छा हाइट है ये प्लांटेशन करने के लिए। नॉर्मली बाज़ार से जो चीकू का पौधा आपको मिलता है, 1 साल 2 साल 2.5 साल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर फल फूल नहीं आता है। हम लोग जो चीकू का पौधा प्रोवाइड करते हैं, उसका ऊपर फल फूल लगा हुआ रहता है, यानी लगाने के बाद आपको 1-2 महीने के अंदर में फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाता है। तो ये जो प्लांट है, ये 3 महीने पहले हम लोग ग्राफ्टिंग किया था और इसका ऊपर अभी देखिए फ्रूट फॉलर का प्रोडक्शन अभी है इसका ऊपर। और इसका अंदर थोड़ा सा फॉलो कीजिए, फ्रूट और फॉलर से भरा हुआ है, ये देख लीजिए। और एक ग्राफ्टिंग हम लोग कटिंग करने से 1 महीने पहले अभी फ्रूट फॉलर आना स्टार्टिंग हो गया था, उसमें हम लोग तोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि पेड़ का ग्रोथ अच्छा करने के लिए। और ये देखिए सभी पेड़ में देखिए फ्रूट भी है, फॉलर भी है, देख लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा वैरायटी है। कोई किशन भाई ये प्लांटेशन करने के लिए अभी अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारा प्लांट चीकू का प्लांट है, जो लैंगचा चीकू है, क्रिकेट बॉल चीकू है, जो कालापाती चीकू है, सभी हम लोग अलग अलग करके ग्राफ्टिंग करके रेडी किया है, ठीक है। और ये देख लीजिए इसका हाइट होगा, ये आपको 3 फुट प्लस, लगभग 4 फुट का आसपास में चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा और फॉलो कीजिए, सभी प्लांट में देखिए ब्रांच भी है, ठीक है, एक एक प्लांट में आपको लगभग 7-8 करके ब्रांच भी लगा हुआ है। ये प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है और सभी पेड़ में फ्रूट है, और हम लोग जो प्लांट सप्लाई करते हैं उसके ऊपर फल फूल लगा हुआ रहते हैं, ये देख लीजिए। हम लोग बड़ वाला बैग में रख की है और पेड़ का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है। ये थाई कालापाती छोटा वाला प्लांट है, देख लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है हमारे पास, और बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट मेरे पास मिल जाएगा। ये देख सकते हैं कितना अच्छा हाइट है इसका, ऑल टाइम जैक फ्रूट देखिए। ये भी ग्राफ्टिंग वाला पौधा भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये लगाने के बाद आपको 7-8 महीने के अंदर में आपको फॉलर आने स्टार्टिंग हो जाएगा, ये देख सकते हैं। और इधर में जो देखा रही है खिन्ने का प्लांट है, जो हम लोग चीकू का साथ ग्राफ्टिंग करके रेडी करते हैं, ठीक है। इधर में जो है वाइट कलर का जामुन का प्लांट है, ये देखिए कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है। हमारा पास जो प्लांट है सभी आपको 3 फुट प्लस, लगभग 4 फुट के आसपास चल रहा है, ठीक है। और ये लगाने के लिए परफेक्ट प्लांट है, और आप देख सकते हैं ये है थाई पिंक जैक फ्रूट, ये वाला प्लांट भी बहुत ही अच्छा है। इसका जो फ्रूट होता है लगभग 4 केजी के आसपास होता है इसका जो फ्रूट होता है, और इसका जो हाइट होता है आपको 5 फुट का अंदर में इसका हाइट में फ्रूट देखने से मिल जाता है। देखिए सभी ग्राफ्टिंग वाला पौधा भी मिल जाएगा मेरे पास, सभी थाईलैंड का न्यू वैरायटी है। और ये देखिए इसका पत्ता देखिए थोड़ा सा छोटा छोटा होती है, ठीक है, और ऑल टाइम वाला जो है उसमें थोड़ा सा बड़ा होती है। ये है एस्टर फ्रूट, ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा जूस निकलता है और खाने के लिए थोड़ा सा खट्टे की तरह लगते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्टी होती है इसका जो फ्रूट होता है। ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसमें जो फ्रूट होता है पूरा थोल की तरह इसमें फ्रूट लगता है और पूरा साल में एक ही बार फ्रूट इसमें आता है, ठीक है, ये ऑल टाइम नहीं होता है। ये प्लांट भी मिल जाएगा, कोई किशन भाई ये प्लांटेशन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका ज़्यादा ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट से प्लांटेशन आप कर सकते हैं। ये देखिए इसका हाइट होगा ये आपको 4 फीट प्लस, ठीक है, और काफ़ी अच्छा हाइट है लगाने के लिए। और हमारा पास जो प्लांट है सभी ग्राफ्टिंग वाला प्लांट मिल जाएगा। ये है ब्लैक जामुन का प्लांट है, हम लोग ग्राफ्टिंग किया है और इसका उम्र हो गया अभी 2 महीने का ग्राफ्टिंग है, ये देख लीजिए हम लोग काटिंग किया है और कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है आप लोग देख सकते हैं।
इसका जो फ्रूट होता है पूरा ब्लैक कलर होता है। और ये देखिए सभी ग्राफ्टिंग वाला पौधा भी मिल जाएगा, देख लीजिए। कोई किशन भाई ये प्लांटेशन करने के लिए अभी अभी कांटेक्ट कीजिए। इसका दूसरा जो प्लांट है वाइट वाला जामुन है, वो वाला हम दिखाएँगे। और ये जो देखा रहे ये ब्लैक कलर होता है, ठीक है। और जामुन का 2 वैरायटी मेरे पास मिल जाएगा जो वाइट कलर का है, ठीक है। उसका जो फ्रूट होता है पूरा वाइट कलर का होता है। ये पहले ब्लैक वाला देखिए, सभी ग्राफ्टिंग वाला। इसका हाइट होगा एक फुट प्लस, ठीक है, 2 फुट आसपास चल रहा है। कई कई प्लांट 2 फुट भी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। कोई किशन भाई ये प्लांटेशन करने के लिए अभी अभी कांटेक्ट कीजिए, मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए वाइट कलर का हम लोग दिखाता है, ये देखिए वाइट कलर का है। हम लोग सभी अलग अलग करके रेडी किया है, क्योंकि एक साथ ना बिना गिरे। कोई की आदमी बोलता है मेरा को ब्लैक कलर चाहिए, उसका जाता है वाइट कलर का, इसलिए हम लोग सभी अलग अलग करके रेडी किया है। और इसका अंदर देखिए सभी ग्राफ्टिंग है, ठीक है। और इसका लगभग 5 फुट का ऊपर होगा तो इसमें फ्रूट भी आ जाएगा। ऑल टाइम जैक फ्रूट का देख लीजिए, इसका उम्र हो गया, हम लोग काटिंग किया था, इसका उम्र हो गया 100 महीने का, ठीक है। और ये देखिए कितना अच्छा हाइट है इसका। चीकू का प्लांट है, जो लैंगचा वाला चीकू होता है। इसका जो फ्रूट होता है आपको लगभग एक एक फ्रूट में आपको 500 ग्राम तक वेट होता है, ठीक है। और ये भी पूरा साल भर आपको फ्रूट देखने से मिल जाता है, क्योंकि इसमें ऑल टाइम फ्रूट देखने से मिल जाता है। तो एक बात आपको ध्यान से रखिए, ये जो चीकू का प्लांट है इसमें ऑल टाइम फ्रूट देखने से मिल जाएगा। इधर में बड़ा वाला फ्रूट है और इधर एक साथ फलर भी स्टार्टिंग है, ठीक है, प्लांट का ऊपर। और इसका जो फ्रूट होता है ये मीठा भी बहुत ही अच्छे से होता है। और ये ऑल ओवर इंडिया में ये प्लांटेशन आप कर सकते हैं। ये स्पेशल ऐसे कुछ नहीं है जो ये मिट्टी से होगा, ये वेदर से होगा, स्पेशल ऐसा कोई नहीं है। कई भी मिट्टी से प्लांटेशन आप कर सकते हैं। घर का कोई आसपास ज़मीन पड़ा हुआ तो वहीं पे लगा दीजिए। आपको इसका हाइट देख लीजिए, आपको 4 फुट का अंदर में इसमें फॉलर भी आना स्टार्टिंग हो गया, देख लीजिए। और सभी प्लांट में देखिए छोटा छोटा फ्रूट भी लगा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, देख सकते हैं कितना अच्छा हल्दी प्लांट है हमारे पास। और ओरिजिनल प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी आप लोग को पूरा फुल मदद करेगा। देखिए छोटा छोटा फॉलर भी आना स्टार्टिंग हो गया, देख लीजिए। हम लोग कुछ फ्रूट हम लोग तोड़ दिया है पेड़ का ग्रोथ अच्छा करने के लिए। ये देख सकते हैं आप पेड़ का ग्रोथ देखिए कितना अच्छा है। और सभी ग्राफ्टिंग वाला पौधा भी है। नया ग्राफ्टिंग वाला जो पौधा आपको मिलता है, आपको लगाने के आपको 1-2 महीने के अंदर में आपको सूख जाता है, ठीक है। पेड़ देखने से अच्छा लगता है लेकिन वो लगाने के बाद आपको सूख जाता है, क्योंकि हम जो प्लांट देंगे ये सूख भी नहीं, आपको पुराना वाला प्लांट मिलेगा। और इसमें बहुत ही अच्छा फ्रूट भी मिल जाएगा। ये देखिए थाई ऑल टाइम जैक फ्रूट है, इसका गेटअप भी बहुत ही अच्छा है, ये देख सकते हैं। ये है थाई ऑल टाइम मैंगो प्लांट है, इसका ऊपर देखिए फॉलर भी आना स्टार्टिंग है। इसका हाइट होगा ये 2 फुट का, ठीक है। और देख लीजिए हम थोड़ा सा घूम के दिखा रही है, जो हमारा चीकू का काटिंग है हम लोग किया है, और वो वाला प्लांट है ये थाई ऑल टाइम मैंगो प्लांट। देखिए इधर में चीकू का प्लांट है, जो गौरीमती मैंगो प्लांट है, ये देखिए कितना बढ़िया है। इसका हाइट होगा ये अभी 8 फीट का, ठीक है। और बहुत सारे किशन भाई हमारा फ़ोन करके पूछते हैं, भैया हमारा बड़ा वाला प्लांट चाहिए। और ये देख सकते हैं हमने बड़ा वाला रेडी किया है। ये देखिए सभी ग्राफ्टिंग वाला है इसका। कोई किशन भाई ये प्लांटेशन करने के लिए अभी अभी कांटेक्ट कीजिए। मैंगो का हम बड़ा वाला बैग में डाल दिया है, पेड़ का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है। और सभी प्लांट में ब्रांच भी है, ठीक है, 3-4 करके ब्रांच भी है इसका ऊपर, और काफ़ी अच्छा हाइट है। और चीकू का प्लांट मेरे पास जो नया प्लांट है, एक चीकू में आपको लगभग 2 केजी का आसपास होता है, ठीक है। और ये हम लोग थाईलैंड से लेके आया है न्यू प्लांट, देखने से बहुत अच्छा लगते हैं और खाने के लिए बहुत ही अच्छा मीठा होती है इसमें। यह है एस्टर फ्रूट।
देख सकते हैं हमारा पास जो प्लांट है पेड़ का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा से होता है, ठीक है। और सभी प्लांट में देखिए ब्रांच भी है, ये देख सकते हैं आप। ये प्लांट इतना बढ़िया हो गया, इसमें बाम्बू देना पड़ेगा साइड गाइड करने के लिए, देख सकते हैं आप। इसका ऊपर हम लोग फ्रूट तोड़ दिया है पेड़ का ग्रोथ करने के लिए। और अभी जितना भी है प्लांट देखिए, ये बहुत ही अच्छा सुपर वैरायटी है। हम थोड़ा सा इधर उधर करके दिखा रहिए, थोड़ा सा बड़ा वाला बैग में हम डाल दिया पेड़ का ग्रोथ अच्छा करने के लिए। मेरा किशन भाई, प्यारे किशन भाई का अच्छा प्लांट देने के लिए पेड़ का ग्रोथ अच्छे से कर लिया है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा दूर से भी हम दिखाएंगे पेड़ का ग्रोथ कितना अच्छा है। और कोई प्लांट लेने के लिए इंडिया का कोई भी जगह से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। और 100 के ऊपर कोई किशन भाई प्लांट लेंगे तो उसके लिए डिलीवरी हम लोग बिल्कुल फ्री कर दिया, ये 15 सितंबर का अंदर में, ठीक है। ये देख सकते हैं आपको 100 के ऊपर है, ठीक है। नीचे नहीं लेंगे तो हम डिलीवरी आपको पड़ेगा। और ये देख सकते हैं हम थोड़ा सा दूर से भी दिखाएंगे ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है इसका। सभी प्लांट में फल फूल लगा हुआ है और इसमें मार्केट में बहुत ही अच्छा डिमांड है, क्योंकि इसमें मीठा बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और ये देख लीजिए आप, ये है थाई ग्रीन एप्पल बेर का प्लांट है। बहुत सारे किशन भाई ने हमारे पास पूछते हैं भाई ये प्लांट कैसे है। और देखिए कितना अच्छा हल्दी प्लांट है हमारे पास, सभी ग्रफ्टिंग वाला पौधा भी मिल जाएगा। हम लोग जो प्लांट है बालसुंदरी एप्पल बेर प्लांट है, थाई कश्मीरी थाई ग्रीन एप्पल बेर प्लांट है, कश्मीरी रेड एप्पल बेर प्लांट है, मिस इंडिया एप्पल बेर प्लांट है। बेर का बहुत सारा प्लांट है मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। कोई भी प्लांट लेने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए। और जो प्लांट है हमारे पास देखिए, छोटा छोटा पौधे में आपको देखिए फ्रूट भी लगा हुआ है, ये देखिए। ये प्लांट कॉमिशियन खेती करने के लिए अभी अभी कांटेक्ट कीजिए कोलकाता वेस्ट बंगाल ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से, हम लोग नीचे में नंबर दिया हुआ है। यह है थाई ऑल टाइम कार्टिमोन मैंगो प्लांट है, ये देखिए। अभी ऑब्सेशन का फ्रूट देखिए कितना अच्छा है। ये प्लांट हम लगाया था ट्राई मारने के लिए और इसमें देखिए फ्रूट भी लगा हुआ है। और ये जो फ्रूट होता है मीठा होती है, ये बिल्कुल मीठा होती है। और स्टिक देख लीजिए, इसका उम्र हो गया 1 साल का, ठीक है। और देख लीजिए कितना सारा फ्रूट अभी भरा हुआ है, ऊपर में फलर आने स्टार्टिंग, नीचे में फ्रूट है, ठीक है। और मेरा वीडियो सबसे अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोग के लिए सबसे अच्छा अच्छा वीडियो डालते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।